रावण की पूजा अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक के रूप में की जाती है। हम सरेआम रावण को दोषी मानते हैं और उसका पुतला तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जलाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, रावण का यही व्यक्तित्व उसकी पूजा भी करवाता है। पूरे देश में विजयादशमी में रावण का बुराई के प्रतीक के रूप में वध कर उसका पुतला जलाया जाता है। लेकिन यूपी के कानपुर में एक जगह ऐसी भी है जहां दशहरे के दिन रावण की पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, यहां पूजा करने के लिए रावण का मंदिर भी मौजूद है जो केवल दशहरे के मौके पर ही खोला जाता है। रावण का ये मंदिर उद्योग नगरी कानपुर में मौजूद है। यहाँ पे मानते ये है कि दशानन महाराज जी एक बहुत महान पुरुष थे, महान विद्वान पुरुष थे और एक प्रकांड पंडित थे, जिसे जो प्रभु भोलेनाथ जी के भक्त रहे हैं और उनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। और हालांकि उन्होंने इस तरह से किया कि सीता जी का अपहरण किया था, उसके बाद में जो मतलब उन्होंने ऐसे ऐसे काम किया, बहुत ज़्यादा युद्ध लड़े, लेकिन भगवान श्री राम जी ने जो उनको मार के जो विजय प्राप्त की है, तो आज के दिन हम सभी लोग इसलिए दशानन जी की पूजा करते क्योंकि वो एक प्रकांड महान पुरुष थे, लेकिन भगवान श्री राम जी ने अच्छाई बुराई पे, उनका जो वध करके बुराई पे अच्छाई की जीत की थी, इसलिए दशानन महाराज जी को हम लोग सिर्फ इसीलिए याद करते क्योंकि वो एक प्रकांड और महान पंडित थे। दशानन महाराज की विजयादशमी के दिन इस मंदिर में पूरे विधि विधान से रावण का दुग्ध स्नान और अभिषेक कर श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद पूजन के साथ रावण की स्तुति और आरती की जाती है। ब्रह्म बाण नाभि में लगने के बाद और रावण के धराशाही होने के बीच कालचक्र ने जो रचना की उसने रावण को पूजने योग्य बना दिया। ये वो समय था जब राम ने लक्ष्मण से कहा था कि रावण के पैरों की तरफ खड़े होकर सम्मान पूर्वक नीति ज्ञान की शिक्षा ग्रहण करो, क्योंकि धरातल पर न कभी रावण के जैसा कोई ज्ञानी पैदा हुआ है और न ही कभी होगा। रावण का यही स्वरूप पूजनीय है और इसी स्वरूप को ध्यान में रख कर कानपुर में रावण के पूजन का विधान है। न्यूज़ डेस्क।